गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं पाइथन में, दैट इज़ द ट्यूटोरियल टू इंस्टॉल एंड यूज़ पाइड्रॉइड 3 ऑन मोबाइल। अब आप लोगों के पास, घर पे सबके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है, तो भी आप पाइथन को अपने फ़ोन पे रन कर सकते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल्स में देर इज़ अ ऐप कॉल्ड पाइड्रॉइड 3, जिसको आप इंस्टॉल करके उस पे पाइथन के प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल प्रोसेस है जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको ये मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है, जस्ट गो टू द प्ले स्टोर और यहाँ पर आप सर्च करिए पाइड्रॉयड 3 IDE फॉर पाइथन। इस तरह की स्क्रीन आपको अपने मोबाइल पे दिखेगी, तो इसको आपने इंस्टॉल कर देना है। तो ये इंस्टॉल हो जाएगी आपकी। इट इज़ अबाउट 50.42 MB की आपकी फाइल है। इट विल हार्डली टेक 1 to 2 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट। अब ये आपकी देख सकते हैं, आपकी ये ऐप फ़ोन पर इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप इस पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी एंड इट विल बी शोइंग यू इंस्टॉलिंग पाइथन, और इस तरह की विंडो आपके आगे आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इस पे आपको तीन चार चीज़ें दिख रही हैं। इसको हम कहते हैं कंट्रोल मेन्यू। इसमें सारे के सारे कंट्रोल हमें ऑप्शंस मिलते हैं। इसको हम कहते हैं फाइल मेन्यू। इसमें आप फाइल, न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप अंडू रीडू सर्च कर सकते हैं, गो टू लाइन कर सकते हैं। नीचे आपका ये पंचुएशन वगैरह के लिए, अगर आपने कोई टैब यूज़ करना है, कोई सेमी कॉलन कॉलन लगाता है, पंचुएशन मार्क्स के लिए आपका नीचे ये एक बार की बन है। तो जब हमने पाइथन इंस्टॉल कर ली, तो पाइथन में आपको पता है कि पाइथन जो आपके एक इंटरप्रेटर पे चलती है, तो अगर हमें पाइथन का, मान लीजिए इसमें कोई प्रोग्राम बनाना है, मान लीजिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। प्रिंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाह रहे हैं हम इसमें। तो इसको जब हम रन करेंगे, इट इज़ हाउ योर आउटपुट विल बी शोन। इस तरह से आपको आउटपुट देखेगी, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम फिनिश्ड। तो इस तरह से हम कोई भी प्रोग्राम बना के, ये येलो वाला जो आपको बटन दिख रहा है, ये प्ले का बटन है या प्रोग्राम को रन करने का बटन है, इससे हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि हम इंटरप्रेटर पे जाके प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, या इंटरेक्टिव मोड भी हम इसको बोलते हैं। ये इसका इंटरेक्टिव मोड है, और इंटरेक्टिव मोड में भी आप सिमिलरली कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 6, सी इक्वल टू ए प्लस बी, देन प्रिंट सी। तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैं ए की वैल्यू मैंने 5 दे दी है, बी की 6, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और मैं इसको प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, इट विल गिव द रिज़ल्ट 11। तो आप देख सकते हैं इसने
11 रिज़ल्ट हमें दे दिया है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड में हम, जैसे कि मैंने आज क्लास में बताया था कि इंटरेक्टिव मोड में हम जैसे जैसे इनपुट देते रहते हैं वो एंटर करते ही आपको आउटपुट दिखा देते हैं, जस्ट लाइक कैलकुलेटर। ठीक है, ये हो गया इंटरेक्टिव मोड। थर्ड इसमें होता है टर्मिनल। टर्मिनल में भी आप अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो, जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसको टर्मिनल से भी रन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए यही प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का, इसको हम प्रोग्राम की फॉर्म में बनाना चाहते हैं, तो हम इसमें मान लीजिए थोड़ा सा और कोड ऐड करते हैं। माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम ऑन पाइड्रॉइड। ठीक है जी, तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव एज, इसको हम कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ पाइथन का, इसको मैं चलो यहीं सेव कर देता हूँ होम में। मान लीजिए मैंने इसको सेव कर दिया। ये मैंने प्रोग्राम्स का फोल्डर बनाया, इसको सिलेक्ट कर लिया, और ये मेरा न्यू फाइल डॉट पी वाई मैंने फाइल का नाम रख दिया। इसको सेव कर दो। तो अब मेरी न्यू फाइल डॉट पी वाई सेव हो चुकी है स्टोरेज में, एम्युलेटेड ज़ीरो में, प्रोग्राम्स में। ठीक है, अब इसको अगर हमने रन करना है तो रन करने के लिए आप इस तरह से भी रन कर सकते हैं इसको सीधा, यूजिंग योर येलो बटन। ये देखिए यहाँ से रन हो गया। दूसरा मेथड है, आप इसको टर्मिनल पे जाके भी रन कर सकते हैं। प्रोग्राम्स में चला गया मैं, अब मैं इसको रन करता हूँ न्यू फाइल डॉट पी। तो इस तरह से प्रोग्राम्स फोल्डर हमने बनाया था उसमें जाके हम उसको रन करने की कोशिश करते हैं। पाइथन न्यू फाइल डॉट पी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रन करेंगे पाइथन न्यू फाइल डॉट पी वाई। हम प्रोग्राम्स के फोल्डर में गए, वहाँ हमने इसको रन कर लिया। तो ये तीन मेथड्स हैं, इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ईजीएस्ट है कि आप अपनी एक फाइल बनाएं और इसको यहीं से रन करता है। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू कैन मेक अ प्रोग्राम इन योर पाइथन पाइड्रॉइड 3। तो इस पे ही आप लोग सब प्रैक्टिस कर सकते हैं,
जिनके पास घर पे लैपटॉप या मोबाइल लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, वो मोबाइल पे भी एंड्रॉयड अपनी एप्लीकेशन ये वाली इंस्टॉल करके इसमें कोई भी प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर द ट्यूटोरियल। थैंक यू।